मध्य प्रदेश में रोड एक्सीडेंट होने का मामला थम नहीं रहा है और रोज कहीं ना कहीं एक्सीडेंट के मामले सामने आ रहे हैं। अगर एक साल का एक्सीडेंट का रिकॉर्ड देखा जाए तो शायद यह चिंता का विषय होगा। इस पर मध्य प्रदेश शासन को गंभीर चिंतन करने की जरूरत है। प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन को हमेशा से पत्रकारों ने सजग किया है, लेकिन इस गंभीर विषय को लेकर मध्य प्रदेश सरकार चिंतित नजर नहीं आ रही है, जिसका खामियाजा रोड में चल रहे आमजन को उठाना पड़ रहा है। ऐसा ही एक मामला निकलकर सामने आ रहा है, जिसमें विधायक की तत्परता से घायल हुए युवकों को जिला अस्पताल पहुंचाया। दरअसल कटनी बडवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत अमाडी निघरा रोड पर दो मोटरसाइकिल के सामने सामने से एक्सीडेंट होने पर चार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक मोटरसाइकिल में तीन युवक सवार थे और एक मोटरसाइकिल में सिंगल युवक था, जो कि दोनों आमने सामने से भिड़ गए। बताया जा रहा है कि इसमें से स्थानीय सरपंच का भांजा मोटरसाइकिल में सवार था, जिसकी सूचना पर बडवारा विधायक ने तत्काल 100 को फोन करके मौके पर भेजा। घायल युवकों को जिला अस्पताल लाया गया। बडवारा विधायक बसंत सिंह भी जिला अस्पताल पहुंचे और घटना में हुए गंभीर युवकों का हालचाल जाना। बताया जा रहा है कि एक युवक जो गंभीर अवस्था में था उसे जबलपुर रेफर किया गया है। घटना में घायल हुए तीनों युवकों का इलाज जिला अस्पताल में जारी है। मेरे को करीब 1.5 घंटे पहले सरपंच साहब का फोन है, जो जिनका भांजा का एक्सीडेंट हुआ है, तो मैंने तत्काल बड़वारा थाने सूचित किया। तत्काल 100 नंबर आम जल्दी भेजे यहाँ पर, जिससे मुझे जानकारी, लेकिन ज़्यादा चोट है और सही में सीरियस है। जितने लोगों का एक्सीडेंट हुआ है, ये मोटरसाइकिल दोनों भिड़ गई है। एक में मेरे ख्याल से तीन लोग थे, एक में सिंगल था, लेकिन चोट इतनी ज़्यादा कि मैं खुद भी देख नहीं पा रहा हूँ। कल उनको लेके मैं यहाँ सरकारी हॉस्पिटल कटनी लेके आया। कहाँ पर हुआ भैया? ये अमाड़ी से अंदर जाते हैं, निगहरा गांव पड़ता है, वहाँ पर एक्सीडेंट। कटनी से प्रवीण कुमार पार्षद की रिपोर्ट।